नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड नॉलेज। आज हम बात करेंगे एक नॉलेज की जो जुड़ी है इसरो और नासा से। हम सभी जानते हैं कि इसरो और नासा के साइंटिस्ट सालों की कड़ी मेहनत करके अपने स्पेस प्रोग्राम्स सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। इन संस्थाओं में काम करने वाले साइंटिस्ट बहुत ही होशियार और अक्लमंद होते हैं। यह लोग बहुत ही कड़ी मेहनत करके अपनी अपनी संस्थाओं के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं और उनकी इसी कड़ी मेहनत के लिए यह संस्थाएं उनको बहुत तगड़ी सैलरी भी देते हैं। आज हम बात करेंगे इसरो के साइंटिस्ट और नासा के साइंटिस्ट कितनी तनख्वाह लेते हैं। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो एक सरकारी संस्था है जो वहाँ के साइंटिस्ट को महीने की तनख्वाह देती है। नासा अपने साइंटिस्ट को सालाना मतलब एनुअल पैकेज फिक्स कराती है जिसका हर महीने का हिस्सा सैलरी के तौर पर उन्हें मिलता रहता है। बात की जाए नासा की, तो नासा में काम करने वाले एक ट्रेनी साइंटिस्ट का एनुअल पैकेज होता है 21,000 से 25,000 यूएस डॉलर्स, जो होता है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति महीना। वही सीनियर साइंटिस्ट को मिलता है 1 लाख से 1.25 लाख यूएस डॉलर, जो होता है महीने का 6 लाख से 8 लाख रुपए महीना। बात की जाए इसरो की, तो इसरो में एक ट्रेनी साइंटिस्ट को मिलते हैं 45,000 से 55,000 रुपए और सीनियर साइंटिस्ट को मिलते हैं 80,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीना। दोस्तों, आपने देखा कि नासा और इसरो के साइंटिस्ट कितनी सैलरी लेते हैं और उसमें कितना फर्क है। कई बार सैलरी ज़्यादा होने के कारण हमारे भारतीय लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नासा के लिए करते हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसरो में सैलरी कम होने के बावजूद अपने देश के लिए यही काम करके हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रहे हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।